Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 7, Permutation, Combination and Probability. और इस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 7.8 का आगाज करेंगे. एक्सरसाइज 7.8 जो है वो रिलेटेड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज से. ठीक है, तो इससे पहले यानी कि इससे पहले दो लेक्चर जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज के. तो अब उससे रिलेटेड एक्सरसाइज यानी कि 7.8 हम इस एक्सरसाइज इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं. और पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 7.8 का वो है द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन ए विल बी अलाइव फिफ्टीन ईयर्स हेंस इज 5/7. ठीक है, तो यहां तक का मतलब ये है कि एक बंदा जो है उसका नाम है ए. ठीक है, ए सपोज कर लिया गया ना, पर्सन एक आदमी है उसका नाम है ए. ठीक है, वो अगले 15 साल जो है वो जिंदा रहेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके कितने चांसेस हैं. ठीक है, वो है 5/7 हमें गिवन है. ठीक है, और उसके साथ साथ हमें एक और बंदे का भी कहा गया है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट अनदर पर्सन बी, जिसको बी कहा गया है, ठीक है, जिसका नाम बी है, will be alive 15 years hence is 7/9. ठीक है, उसकी probability क्या है 7/9. A person की जो probability है जिंदा रहने की वो है 5/7, और B person जो है उसके अगले 15 साल लाइफ रहने की यानी कि जिंदा रहने की प्रोबेबिलिटी है 7/9. ठीक है, ये चीज़ें तो हमें गिवन है. इस क्वेश्चन में फिर हमें हमसे पूछा गया गया है हमसे पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल अलाइव 15 years hence. ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये दोनों अगले 15 साल में जिंदा रहेंगे. ठीक है, उसमें से किसी एक का नहीं चांस, दोनों के इकट्ठे जिंदा रहने के चांसेस हमने जो या प्रोबेबिलिटी उसके फाइंड करनी है. तो वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, देखें हम पहले भी कुछ एग्जांपल्स जो हैं पिछले लेक्चर में देख चुके हैं. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या इसमें यूज़ हो रही है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी टॉपिक से. ठीक है, तो अभी तक आपको ये समझ आ जानी चाहिए अगर पिछले लेक्चर दो जो हैं वो आपने अच्छी तरह से समझे हैं. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए कि ये क्वेश्चन रिलेटेड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से. अच्छा, तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, चलें जी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से हम करेंगे कि हम सबसे पहले कहते हैं कि ए जो है वो इवेंट है. ठीक है, कि पहला पर्सन जो पर्सन ए विल बी अलाइव 15 इयर्स, यानी कि जो पहली स्टेटमेंट दी हुई है ना हमें कि ए पर्सन जो है वो जिंदा रहेगा 15 साल. ठीक है, उसको हम इवेंट लेंगे अब, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी जो है किसी इवेंट की फाइंड करनी होती है ना कि इवेंट ऑकर हो रहा है या नहीं. ठीक है, तो हम उसको इवेंट के केस में ले लेते हैं. हम इसे कहते हैं लेट ए बी द इवेंट. ठीक है, ए जो है वो क्या है, एक इवेंट है, और वो इवेंट कौन सा है उसको हमने डिस्क्राइब भी साथ करना, दैट अ पर्सन विल बी अलाइव 15 years. ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या बनेगी, पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 5/7. ठीक है, इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 5/7.
इसी तरह से हमें जो है बी पर्सन की प्रोबेबिलिटी भी हमें गिवन है, तो उसको हम जो है वो भी इवेंट कंसिडर कर लेते हैं और उसे इवेंट बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। लेट बी बी द इवेंट दैट अदर पर्सन विल बी अलाइव, ठीक है। तो इसकी फिर हमारे पास हम इसको लिख सकते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ बी इवेंट इज इक्वल टू, हमें गिवन है ठीक है वो है 7/9। अच्छा अब ये दोनों चीज़ें तो हमारे पास आ जाएगी, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज इक्वल टू 5/7, प्रॉबिलिटी ऑफ बी इवेंट इज इक्वल टू 7/9, ठीक है। तो अब हमें पूछा क्या गया, हमें पूछा गया कि दोनों इवेंट ऑकर होने की, एक साथ ऑकर होने की, यानी कि दोनों पर्सन जो है वो अगले 15 साल जो है वो जिंदा रहेंगे, इसकी क्या प्रॉबिलिटी है, तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड कर सकते हैं प्रॉबिलिटी मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रॉबिलिटीज है, ठीक है। वो किसके इक्वल है, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके होता है, प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ बी, इसके इक्वल होता है। तो प्रॉबिलिटी ए हमारे पास है, प्रॉबिलिटी ऑफ बी भी हमारे पास है, इसमें उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि हमने प्रॉबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, बोथ विल बी अलाइव इन 15 ईयर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसकी जो है वैल्यूज पुट करते हैं, हमें पी ऑफ ए जो है वो क्या है, इक्वल है 5/7, तो यहाँ पे मैं 5/7 लिख देता हूँ। साथ में प्रॉबिलिटी ऑफ बी क्या है, 7/9, ये मैं 7/9 लिख देता हूँ। ये 7/7 से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी जो टर्म्स बची हैं उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5/9 बन जाएगा, ये 5/9, 5/9 प्रॉबिलिटी है कि ये दोनों पर्सन्स, पर्सन ए एंड पर्सन बी विल बी अलाइव नेक्स्ट 15 ईयर्स, ठीक है। तो यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अच्छा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है, मैं स्टेटमेंट यहां पर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की क्या है, ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस, ठीक है। एक डाई को रोल किया गया 2 दफा, तो क्या हुआ फिर, इवेंट E1 इज द अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर ऑफ डॉट्स, एंड इवेंट E2 is the appearance of more than 4 dots। अच्छा तो हमने प्रूव करना है फिर, प्रूव दैट प्रॉबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ E2, यानी कि इसमें ये हमने शो करना है कि प्रॉबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 वो बराबर होगा इन दोनों प्रॉबिलिटीज़ के मल्टीप्लीकेशन के, ठीक है। तो ये जो रूल है वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रॉबिलिटीज़ का है, तो इसको हमने यहाँ पर शो करना है। तो किस तरह से प्रूव हम करेंगे, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या है, ए डाई इज रोल्ड ट्वाइस, यानी कि एक डाई को जो है 2 दफ़ा रोल किया गया, तो इवेंट E1 इज द अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स, यानी कि हमें कहा गया कि इवेंट E1 क्या है, इवेंट E1 ऑकर होने का मतलब ये है कि इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं वो ऊपर आए हैं, ठीक है, दोनों, यानी कि दोनों दफ़ा जो है वो इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं टॉप फेस पे आए हैं। तो इवेंट E2 क्या है, इवेंट E2 के बाद बारे में कहा गया है, इवेंट E2 इज़ द अपीयरेंस ऑफ मोर देन 4 डॉट्स, यानी कि 4 से ज़्यादा डॉट्स जो हैं वो अपीयर हुए हैं टॉप फेस पे, ठीक है। तो ये इवेंट E2 है, तो हमने इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को लेते हुए, ठीक है, जहन में रखते हुए हमने प्रूव करना है इस चीज़ को, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्रॉबिलिटीज़ के रूल को। तो वो किस तरह से हम करेंगे, चलें करके देखते हैं।
सबसे पहली बात तो ये है कि हमने डाई को दो दफ़ा रोल किया तो हमारे पास रिजल्ट में क्या क्या आ सकता है, यानी कि पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती हैं। पहली दफ़ा रोल किया, वन डॉट आ सकता है। ठीक है, दूसरी दफ़ा रोल किया, फिर भी वन डॉट आ सकता है, एक ये पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, वन टू, यानी कि पहली दफ़ा रोल किया एक डॉट आया, दूसरी दफ़ा रोल किया दो डॉट्स आए टॉप फेस पे। इसी तरह से वन थ्री, यानी कि पहली दफ़ा रोल किया तो वन डॉट आया, दूसरी दफ़ा रोल किया तो थ्री डॉट्स आए। इसी तरह से मैं सब यानी कि पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 4 1 5 एंड 1 6 और 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 1 का क्या मतलब है। 3 1 का मतलब है कि हमने पहली दफ़ा, ये पहली दफ़ा रोल करने का रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ डॉट्स को शो कर रहा है, और सेकंड टाइम जो हमने रोल किया उसके नंबर ऑफ डॉट्स को ये शो कर रहा है। जिस तरह से मैं कहता हूँ कि पहली दफ़ा मैंने डाई को रोल किया तो हमारे पास जो है थ्री डॉट्स टॉप फेस पे हैं, सेकंड टाइम मैंने डाइस को रोल किया तो हमारे पास वन डॉट जो है टॉप फेस पे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से 3 2 थ्री 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 फोर थ्री फाइव थ्री सिक्स, ये सब के सब मैं पॉसिबिलिटीज साथ में लिख रहा हूँ, 4 1 4 2 4 3 4 4 फोर फाइव फोर सिक्स, और इसी तरह से 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 और लास्ट वन है 6 1 6 2, यानी कि फर्स्ट टाइम मैंने रोल किया तो 6 डॉट्स आए, सेकंड टाइम रोल किया तो 2 डॉट्स आए। ठीक है, इसका ये मतलब है। फिर 6 3 का मतलब पहली दफ़ा रोल किया तो 6 डॉट्स आए, दूसरी दफ़ा रोल किया तो 3 डॉट्स आए, और इसी तरह से 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये टोटल जो है सब के सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो पॉसिबल आउटकम्स आप इसे कह सकते हैं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स क्या होता है, सैम्पल स्पेस बनाता है। ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स, तो ये हमारी जो है सैम्पल स्पेस बन गई है, इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, सैम्पल स्पेस। अच्छा, सैम्पल स्पेस तो बन गई हमारी। अब हमें देखना है कि हमारी जो यानी कि क्वेश्चन में जो कहा गया है वो हमारी फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, फेवरेबल आउटकम इसमें से हम सेलेक्ट करते हैं क्या क्या है। हमें सबसे पहले तो मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूँ। स्टेटमेंट में हमें कहा गया है, इडा इज रोल्ड ट्वाइस इवेंट ई वन इज द अपियरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स। इवेंट ई वन में हमारे पास फेवरेबल आउटकम क्या बनती है। उससे पहले, फेवरेबल आउटकम से पहले मैं सैम्पल स्पेस मैंने बता दिया आपको, ये सैम्पल स्पेस है सारी की सारी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैम्पल स्पेस क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 36। तो नंबर ऑफ सैम्पल्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे 36 के। अच्छा, ये चीज़ हमने सबसे पहले फाइंड कर ली, क्योंकि हमने आगे देखना चाह रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास जो है एन ऑफ एस होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट जो है सेट। ठीक है, अब एन ऑफ ई वन हम फाइंड करेंगे, तो वो क्या है, ई वन इज द अपियरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स। इवन नंबर ऑफ डॉट्स, अब आप देखें फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं इसमें से, इवन नंबर ऑफ डॉट्स। अब यहाँ से हम चेक करते हैं इवन नंबर ऑफ डॉट्स किस में आ रहे हैं। देखें, ये अगर आप इसको देखें, ये इवन नहीं है, वन है, ऑड है, ये भी ऑड है। इसमें आप देखें, ये टू तो इवन है लेकिन ये ऑड है। हमने ऐसे सेलेक्ट करने हैं कि दोनों इवन हो। ठीक है, क्योंकि हमें कहा गया है इवन इवन इज द अपियरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स। इवन नंबर ऑफ डॉट्स आप देखें इसमें से कौन से हो सकते हैं, ये टू टू है, ये इवन नंबर ऑफ डॉट्स है। उसके अलावा 2 4 ये भी इवन नंबर ऑफ डॉट, 2 6 ये भी इवन नंबर ऑफ डॉट्स। उसके अलावा इसमें तो हो नहीं सकते क्योंकि 3 जो है वो ऑड नंबर है, और इसमें आप देखें 4 2 4 4 4 6 ये भी इवन नंबर ऑफ डॉट्स हैं।
उसके अलावा 6 2, 6 4 और 6 6, ये सब के सब जो मैंने अंडरलाइन किए हैं ये क्या हैं, इवन नंबर ऑफ डॉट्स की अपीयरेंस शो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम जो है काउंट कर लेते हैं इनको, बल्कि मैं पहले अलहदा इन करके इन्हें लिख देता हूँ। हेयर इवन इज द इवेंट ऑफ द अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ डॉट्स। ठीक है, तो कौन कौन से आए थे, एक 2 2 था, 2 4, 2 6, 4 2, 4 4, 4 6 और 6 2, 6 4 और 6 6, ये सब के सब जो हैं फेवरेबल आउटकम्स आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, ये हैं इवेंट E1 के केस में फेवरेबल आउटकम। अब इनको आप काउंट कर लें, ठीक है, तो आपके पास n ऑफ E1 आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दस इवेंट सेट। ठीक है, तो यहाँ से आप काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो n ऑफ E1 इज इक्वल टू बनता है 9 के इक्वल। एक तो ये हो गया, उसके अलावा हमें जो है सेकंड पार्ट आप देखें, यानी कि उसमें जो है सेकंड इवेंट भी हमें गिवन है। सेकंड इवेंट किसको शो कर रहा है, यानी कि उसमें फेवरेबल आउटकम्स हमारी क्या हो सकती हैं वो हम देखते हैं। इवेंट E2 इज द अपीयरेंस ऑफ मोर देन 4 डॉट्स, यानी कि मोर देन 4 डॉट्स आए, मोर देन 4 दोनों होने चाहिए, सम की बात नहीं कर रहा मैं, दोनों एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जो पहले से मैंने अंडरलाइन किए वो मैं अंडरलाइन ख़त्म करता हूँ, क्योंकि हमने नए इवेंट के बारे में अब देखना है। अच्छा, मोर देन 4 डॉट्स, अब यहाँ से आप देखें जी, मोर देन 4 डॉट्स कौन कौन से हैं, इन दोनों को देखें, बल्कि इन दोनों को पहले देखें, क्या ये 4 से बड़ा है, नहीं ये भी नहीं बड़ा। इसी तरह से आप सब के सब इस तरह देखें, इसमें जो है ये छोटा है और ये 4 से बड़ा है। हमने तो ऐसा देखना है जो दोनों जो हैं यानी कि वो 4 से बड़े होने चाहिए, ठीक है, नंबर ऑफ डॉट्स। तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 4 भी नहीं हो सकता, ये आप देखें 5 1, तो ये तो 4 से बड़ा है, लेकिन ये 1 जो है वो 4 से बड़ा नहीं है। ठीक है, इसी लाइन में आप आगे आएँ 5 4, अब 5 4 से बड़ा है, लेकिन 4 जो है 4 के इक्वल बड़ा नहीं है। ठीक है, इससे नेक्स्ट आप देखें तो 5 5, ये दोनों के दोनों जो हैं नंबर ऑफ डॉट्स जो हैं वो 4 से बड़े हैं। ठीक है, तो 5 5 हो गया, 5 6 हो गया, उसके अलावा ये अंडरलाइन ख़त्म नहीं किया था, अच्छा उसके अलावा जो है 6 5 है, 6 6 है, तो ये 4 इस तरह के हमारे पास बनते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, जो 4 से बड़े हैं, ग्रेटर देन 4 इवेंट 2 में जो हमारी फेवरेबल आउटकम्स है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इवेंट E2 की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि सिंस E2 इज द इवेंट ऑफ अपीयरेंस ऑफ मोर देन 4, then the possible favorable outcomes are, कौन कौन सी फेवरेबल आउटकम्स हैं जो हमने अभी अंडरलाइन किए हैं, वो है 5 5 5 6 6 5 6 6। ठीक है, ये नंबर ऑफ ये फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो अब यहाँ से हम इवेंट E2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि इक्वल हैं 4 के। ठीक है, तो अब हम जो है प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग-अलग फाइंड कर लेते हैं। इस केस में जो है 9 हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट E1 सेट है। ठीक है, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि हम एन ऑफ एस यानी कि सैम्पल स्पेस के भी एलिमेंट्स हम काउंट कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ से बनेगी 9 ओवर एन एफ एस जो है 36 के इक्वल है, तो ये बन जाएगा 1 बाय
नाइन, बल्कि ये 9/36 है तो ये 1/4 बन जाएगा। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि इवेंट E1 की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/4। इसी तरह से इवेंट E2 की प्रोबेबिलिटी भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो आ जाएगा 4/36 यानी कि 1/9 के इक्वल। ठीक है, दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ तो हमारे पास आ चुकी हैं, लेकिन हमने जो है हमारा टारगेट ये नहीं था। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि क्वेश्चन का सलूशन अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। वो क्वेश्चन है क्या था कि प्रूव दैट, हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, तो चले हम किस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं पहले तो ये देखते हैं। हम प्रूव इस तरह से कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड को आप अगर देखें स्टेटमेंट की जिसको हमने प्रूव करना है, लेफ्ट साइड है पी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, इंटरसेक्शन के हमने प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन सबसे पहले हम जो है E1 इवेंट जो है E1 और E2 दोनों के हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, एक चले मैं डिफरेंट कलर से करता हूँ, रेड कलर से। ये है इवेंट E2 के पॉसिबल आउटकम्स और ये हैं इवेंट E1 के पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, इन दोनों में से आप कॉमन चेक करें आप क्या है, क्योंकि हमने इन दोनों का इंटरसेक्शन ही है ना, ये तो इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी है। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। चलिए आप देखें जी कि इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। इसमें जो है 2 2 है पहला एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें कहीं 2 2 आपको नज़र आ रहा है, चलिए जो कम है हम उसको कंपेयर करते हैं। इसमें 5 5 है। ठीक है, क्या इसमें आपको 5 5 नज़र आ रहा है? नहीं। ठीक है, यानी कि इसको आप निकाल दें, ये नहीं है। उसके अलावा 5 6 है, तो क्या आप इसको आपको इसमें 5 6 नज़र आ रहा है? नहीं है। ठीक है, उसके अलावा इसको भी निकाल दें, 6 5 6 5 को क्या इसमें एलिमेंट है कोई? 6 5 भी कोई नहीं है, तो इसको भी निकाल दें। अब इसमें रह गया है 6 6 लास्ट एलिमेंट। ठीक है, वो चेक कर लें क्या इसमें है 6 6? बिल्कुल है ये। ठीक है, तो हमारे पास जो है इंटरसेक्शन, हमारे पास E1 और E2 का इंटरसेक्शन हमारे पास आ चुका है 1। ठीक है, तो हम इसमें से कह सकते हैं एन ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, एक ही है ना 6 और 6 का। ठीक है, तो यहाँ से हम एक कह सकते हैं इज इक्वल टू 1 है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इन दिस सेट E1 एंड इंटरसेक्शन E2। ठीक है, यानी कि E1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो इसके इक्वल है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम अगर काउंट करना चाहें तो एक ही है, तो इज इक्वल टू 1 मैंने लिख दिया। उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपको पता है किसकी इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 एन ऑफ दिस सेट होगा। ठीक है, यानी कि इवेंट इवेंट इस केस में E1 इंटरसेक्शन E2 है। ठीक है, तो इसमें इसका जो है एन ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 जो है वो 1 की इक्वल है, और डिवाइडेड बाय क्या होगा, एन ऑफ एस। एन ऑफ एस यानी कि सैम्पल स्पेस के टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36 हैं, ये आप देखें। ठीक है, तो ये आप 36 यहाँ पर पुट कर दें, 1/36। 1/36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ठीक है, ये हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड है, उसका रिजल्ट जो है 1/36 आया। अब हम राइट साइड की तरफ आते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड है पी ऑफ E1। ठीक है, ये पी ऑफ E1 और इसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है पी ऑफ E2 से। ठीक है, तो हमारे पास जो है दोनों के रिजल्ट्स मौजूद हैं। ठीक है, वैल्यूज़ मौजूद हैं। पी ऑफ E1 जो है वो 1/4 के इक्वल है, और पी ऑफ E2 भी हमने कैलकुलेट किया था वो 1/9 के इक्वल है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/, पी ऑफ E1 का वैल्यू क्या है जी, 1/4, 1/4, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है पी ऑफ E2, उसकी वैल्यू है 1/9। ठीक है, 1/4 इंटू 1/9 इक्वल होता है 36 के। और आप देखें पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ E2 का रिजल्ट आया इज इक्वल टू 36। ठीक है, ये हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड की है, राइट हैंड साइड की वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 1/36 है। हाँ, ये 1/36 आता है भाई। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की वो भी 1/36 आया, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की वो भी 1/36 आया। मतलब कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के।
ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, प्रॉबर्टी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, प्रॉबर्टी ऑफ ई वन इंटू प्रॉबर्टी ऑफ ई टू, यही हमने यहाँ पर प्रूव करना था, ठीक है, जो कि हम यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं इस क्वेश्चन में। तो ये था क्वेश्चन नंबर टू हमारी एक्सरसाइज 7.8 का, तो ये यहाँ पर एंड होगा और हम यहाँ पर इस लेक्चर को भी ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे।